सुजोला थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह हेड कांस्टेबल ने तमंचे से गोली मारकर जान दे दी। हेड कांस्टेबल रामपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेड कांस्टेबल की मौत के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मूल रूप से अमरोहा के रहने वाले सुनील कुमार यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनकी तैनाती रामपुर ट्रैफिक पुलिस में थी। सुनील कुमार अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के मंजोला थाना क्षेत्र में रहते थे। सूत्रों की माने तो शनिवार सुबह करीब 9 बजे सुनील कुमार ने अपनी पत्नी शकुंतला को पास की दुकान पर भेजा। उस समय दोनों बेटे घर के अंदर सो रहे थे। उसी दौरान सुनील कुमार ने तमंचे से कनपट्टी पर सटाकर गोली मार ली। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी जब बाजार से लौटी तो मकान के सामने वाले कमरे में सुनील कुमार खून से लथपथ चारपाई पे पड़े मिले। पति को इस हालत में देख शकुंतला की चीख निकल गई। आवाज सुनकर दोनों बेटे भी कमरे में पहुंचे। किसी ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद ही मंजोला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद और एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। परिवार वालों के अनुसार सुनील कुमार बीते कुछ समय से परेशान चल रहे थे। उनका इलाज भी एक मानसिक रोग चिकित्सक के यहाँ चल रहा था। माना जा रहा है कि परेशानी के कारण ही सुनील कुमार ने गोली मारकर खुदकुशी की है। सुसाइड हुआ है, क्या है पूरा मामला, प्रथम दृष्टया क्या लगा? प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लग रहा है और ये हेड कांस्टेबल है, इनकी पोस्टिंग रामपुर में थी और इनका इलाज भी चल रहा था। मानसिक रूप से कुछ परेशानी थी इनको, इसके पर्चे भी ढेर सारे मिले हैं। घर वालों ने भी बताया है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। सर, घर वालों से कोई संपर्क हुआ? घर वाले ही, ये इनका घर ही है जहाँ घटनास्थल है। इनका अपना निजी घर है, पोस्टिंग रामपुर में है, परंतु इन्होंने मुरादाबाद में अपना घर बना रखा था। घर के अंदर की। सर, क्या बीमारी के चलते लगता है ये, या बीमारी नहीं? इनका जो पर्चे भी मौके से घटनास्थल से मिले हैं उसमें इनका मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी दिन से इलाज चल रहा था। घर वालों ने भी बताया है, आगे जो सारी डिटेल्स उसको हम लोग पता करें।